नमस्कार, मैं सिमरनजीत बिहारी न्यूज से। कौन है वो आतंकी जो है गृह मंत्री अमित शाह की हिट लिस्ट में? अब तक तो हम यह सुनते आए थे कि आतंकियों की हिट लिस्ट में भारत के इन नेताओं और मंत्रियों के नाम हैं, लेकिन अभी हम ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां भारत के न्यूज चैनल्स यह खबर प्रमुखता से दिखा रहे हैं कि कौन कौन से आतंकी भारत के नए गृह मंत्री अमित शाह की हिट लिस्ट में है। बताया जा रहा है कि नए गृह मंत्री अमित शाह ने कश्मीर में उत्पात मचाने वाले 10 आतंकवादियों की एक लिस्ट बनवाई है और जल्द ही उन्हें खत्म करने के लिए ऑपरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। हालांकि अभी ये खबरें सिर्फ न्यूज चैनल्स में हैं और इनकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। कुछ विशेष न्यूज चैनल्स की खबरों को माने तो उनमें ऐसा बताया जा रहा है कि देश के गृह मंत्री अमित शाह आतंकवाद के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति रखते हैं। वो घाटी से इन आतंकियों को जड़ मूल से उखाड़कर फेंक देना चाहते हैं। जिन आतंकियों का नाम अमित शाह की लिस्ट में है, हम उसे आपको बता रहे हैं। लश्कर-ए-तैयबा का शोपियां जिले का प्रभारी कमांडर वसीम अहमद उर्फ ओसामा, ये पहला नाम है। दूसरा, हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर इन चीफ अहमद नाइक। हिजबुल मुजाहिदीन का अनंतनाग जिला कमांडर मोहम्मद अशरफ खान। हिजबुल मुजाहिदीन का बारामूला जिला कमांडर मोहम्मद मेहराजुद्दीन। हिजबुल्ला मुजाहिदीन का भर्ती अभियान प्रमुख डॉक्टर सैफुल्ला। हिजबुल का पुलवाहा जिला प्रमुख अरशद उल हक। जैश ए मोहम्मद का हाफिज उमर, जो मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला है और घाटी में रहकर हथियारों का प्रशिक्षण नए नए आतंकियों को देता है। जैश ए मोहम्मद का ही जाहिद शेख। नए आतंकी संगठन अल बदर का जावेद अहमद मट्टू। कुपवाड़ा का रहने वाला हिजबुल कमांडर एजाज अहमद मिलक। सूत्रों की माने तो भारत सरकार ने इन सभी मोस्ट वांटेड आतंकियों को सीधे मौत के घाट उतारने का प्लान बना लिया है, जिसके लिए हर स्तर पर कोशिशें तेज कर दी गई है। धन्यवाद।